हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फाइनली एक और वीडियो। इस वीडियो का नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहले पार्ट का नाम है कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर बाय जीत कलासा, और दूसरे पार्ट का नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स बाय बामा। इन दोनों ने ही अपनी ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा छोटा पार्ट लिया है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पूरी एनिमेटेड है, इनफॉर्मल वर्ड्स में बोलूँगा मैं, इन दोनों करेक्टर्स को खुद ही प्ले करूँगा ताकि आप उस चीज़ को फील कर सको। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। हे, मेरा नाम रेटोट सिमोंस बोनिन है। मैं 1876 में पैदा हुई थी। मैं एक नेटिव अमेरिकन हूँ। मैं इंडिया में रहती थी पहले। मैं एक लेखिका हूँ, और मैंने लेखिका के लिए अपना पेन नेम जीत कलासा रखा है। तो इस चैप्टर में मेरा नाम है जीत कलासा। ये कहानी तब की है जब मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी। चलिए मैं आपको बताती हूँ अपनी कहानी, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाय मी जीत कलासा। ये मेरा पहला दिन था उस लैंड ऑफ एप्पल वाली जगह पे, जहाँ पे ग्राउंड जो था बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ था। पेड़ों पे कोई पत्तियां नहीं थी, और हर किसी ने बूट शूज पहन रखे थे। मैंने भी अपने जूते, पूरे कपड़े और एक शोल्डर पे एक कंबल ओढ़ रखा था। और ये मेरा पहला दिन था उस बोर्डिंग स्कूल में। उस बोर्डिंग स्कूल में दो टाइप के लोग रहते थे, एक जो अमेरिकन्स थे, वाइट मैन, और दूसरे हम लोग नेटिव अमेरिकन्स जो वाइट नहीं थे। मैं तो इंडिया की थी। उस दिन सुबह एक बहुत बड़ी बैल बजती, मैं हिल जाती हूँ कि यार ये इतनी बड़ी बैल क्यों बजी है। सभी लोग अपने रूम से बाहर निकलते हैं, मैं भी निकल जाती हूँ। ये जो लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं ना, इतना शोर मचा रहे हैं, ये मर्मरिंग की आवाजें मेरे सेंसिटिव कानों को बहुत अनोइंग कर रहे हैं। ये लोगों के जूतों की आवाज, यार इनके जूते देखियो यार, कितने टाइट है, कितने स्टफ है। ये जो जूतों की आवाजें आ रही हैं, ये जूतों की आवाजें मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। और ये सभी लोग कितने अजीब कपड़े पहन रखे हैं इन लोगों ने, कितने ढीले कपड़े पहन रखे हैं इन लोगों ने। मेरे शूज देखो, मेरे शूज कितने सॉफ्ट हैं। मैंने पूरे कपड़े पहन रखे हैं, और मैंने शोल्डर पे एक कंबल ओढ़ रखा है। लेकिन हम सब लोग जा कर रहे हैं, सबके सब लोगों ने एक लाइन बना ली है, एक मार्चिंग करते हुए सब लोग चल रहे हैं। या लगता है मुझे भी इस भीड़ का हिस्सा बनना पड़ेगा। चलो जिटकला सा, तुम भी इस लाइन में ही चलो। मैं भी उस लाइन में घुस जाती हूँ। सब लोग मार्चिंग करते हुए एक रूम के अंदर एंट्री मारते हैं। मैं भी उस रूम के अंदर एंट्री मारती हूँ, और मैं क्या देखती हूँ, और मैं देखती हूँ कि दूसरी तरफ से बॉयज भी एंट्री मार रहे हैं। ओह, ये तो डाइनिंग टेबल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्रेकफास्ट हो गया। तो सभी लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव चेयर्स के आगे खड़े हो जाते हैं, और मैं भी अपने चेयर के आगे खड़ी हो जाती हूँ। और फिर मुझे फील होता है कि शायद मुझे बैठना चाहिए, तो मैं चेयर को खींचती हूँ और मैं बैठ जाती हूँ। ओ शिट यार, ये क्या, यहाँ तो सब लोग खड़े हैं और मैं बैठी हुई हूँ। शिट शिट शिट, लगता है मैंने कोई गलती कर दी, लगता है यहाँ पे कोई और तरीका है। अब सब लोग खड़े होके मुझे घूर रहे हैं कि मैं बैठ क्यों गई हूँ, और मुझे बहुत शाय फील हो रहा है। यार ऐसे मत देखो, गलती कर दी मैंने, आज मेरा पहला दिन है, मुझे नहीं पता ये क्या है। तो मैं जल्दी से खड़ी होती हूँ, और जैसे ही मैं खड़ी होती हूँ एक और बैल बजती है, एक और बैल बजती है, और सब लोग बैठ जाते हैं, और मैं दोबारा खड़ी हो जाती हूँ। अब सब लोग बैठ चुके हैं और मैं खड़ी हो गई हूँ। शिट यार, लोग दोबारा मुझे देख रहे हैं। अरे हो गई गलती, मत देखो ऐसे। और इसी जल्दबाजी में जो कंबल मैंने अपने शोल्डर पर ओढ़ रखा था वो गिर जाता है। मैं हड़बड़ाहट में बैठती हूँ, और सभी के सभी लोग पहले मुझे देखते हैं, फिर अपने प्लेट्स को देखने लग जाते हैं। मैं चारों तरफ देखती हूँ कि लोग कैसे अपने प्लेट्स को देख रहे हैं। मैं सबको देखती हूँ कि सब लोग शांत बैठे हुए हैं, कोई आवाज़ नहीं हो रही, कोई बात नहीं हो रही। तभी मेरी नज़र एक पेल फेस वूमेन पे जाती है। कितनी अजीब सी दिख रही है वो, कितनी पतली, बिल्कुल डरावनी सी। अरे ये क्या, ये तो मुझे ही घूर रही है। शिट, ये मुझे क्यों घूर रही है यार। और जैसे ही वो मुझे घूरने लग जाती है, मैं भी औरों की तरह प्लेट में देखने लग जाती हूँ। यार ये लोग मुझे इतना घूर क्यों रहे हैं, आज मेरा पहला दिन था, मैंने कर दी गलती। फिर एक और बैल बजती है, एक और बैल बजती है, और सब लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं, और मैं रोना स्टार्ट कर देती हूँ कि बस
बहुत झेल लिया, मुझे नहीं खाना यहाँ पे। जैसे तैसे मैं वो खाना ख़त्म करती हूँ, खैर वो खाना नहीं है, वो ईटिंग नहीं है, वो तो ईटिंग बाय फार्मूला है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ फार्मूले से हम खाना खा रहे हों। कितना अजीब है यार यहाँ पे सब कुछ, लग रहा है मैं कहीं जेल में आ गई हूँ। फाइनली जैसे तैसे आज पहला दिन ख़त्म हुआ, तभी मुझे मेरी एक दोस्त मिलती है, वो भी नेटिव अमेरिकन है, उसका नाम है जुडविन। इनसे मिली, ये है जुडविन। और जुडविन कैसा रहा तेरा आज का दिन? ये भी हाल ही फिलहाल में इस स्कूल में आई है। अरे मेरी बात सुन। हाँ जुडविन बता। मेरे पास एक न्यूज़ है तेरे लिए। मेरे लिए? कौन सी न्यूज़? मैंने अभी सुना था एक पेल फेस वूमेन तेरे बारे में बात कर रही थी। अच्छा क्या बात कर रही थी? अरे वो ये कह रही थी कि तेरे जो ये लंबे बाल है ना, उसको काटा जाएगा। अब पागल है क्या? मैं अपने लंबे बाल नहीं कटवाऊंगी। नहीं बेटा, ये लंबे बाल काटने पड़ेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं बनता। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि छोटे बाल उनके होते हैं जो कायर होते हैं, और मेरी माँ ने मुझे ये भी बताया था कि छोटे बाल उनके होते हैं जिनके यहाँ किसी की डेथ हो जाती है। और मुझे पता है कहीं ना कहीं कैदियों के भी छोटे बाल होते हैं। तो ना ही मेरे यहाँ कोई मरा है, ना ही मैं कायर हूँ, और ना ही मैं किसी जेल में आई हूँ, तो मैं बाल क्यों कटवाऊँ भाई? अरे ये मेरी कल्चर की आइडेंटिटी है, सांस्कृतिक परंपरा है मेरी, लंबे बाल मैं नहीं कटवाने वाली इसको। देखो बाल तो तुम्हें कटवाने पड़ेंगे, तुम स्ट्रगल नहीं कर सकती, आपको सबमिट करना पड़ेगा। भाई मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। भाई तुझे वो मार देंगे पर तेरे बाल जरूर कटवाएंगे। चल देखते हैं, मैं आसानी से तो गिव अप करूंगी नहीं, मैं गिव अप ही नहीं करूंगी, आसानी तो दूर की बात, मैं अपने बाल नहीं कटवाने दूंगी। देख तुझे अपने बाल देने ही पड़ेंगे क्योंकि वो लोग ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो स्ट्रांग है तो क्या हुआ, मेरे भी कुछ राइट्स हैं, मैं अपने बाल नहीं दूंगी। बस कह दिया तो कह दिया। यार ये डरा रही है मुझे यार, यार इन लोगों ने अगर मेरे बाल काट दिए तो। नहीं 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 नहीं, मैं अपने बाल नहीं कटवाने दूंगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सुबह होती है तो जब सब लोग सो रहे होते हैं तो मैं चुपके से अपने रूम से बाहर निकलती हूँ और बिना आवाज़ करे सीढ़ियों के सहारे ऊपर वाले फ्लोर पे आ जाती हूँ। अब मेरे जूते चेंज हो गए हैं, ये जूते इन लोगों ने दिए हैं, मेरे जो कितने प्यारे जूते थे, सॉफ्ट जूते थे, वो इन लोगों ने छीन लिए और मुझे ये स्टफ़ गंदे से जूते दे दिए। अब इस स्टफ़ जूते को पहन के मैं जैसे तैसे बिना आवाज़ करे एक फ्लोर पे पहुँचती हूँ। एक फ्लोर में मैं चलते चलते चुपके से एक रूम में घुस जाती हूँ। हाँ ये रूम थोड़ा सा अंधेरा वाला है, इस रूम में एक ग्रीन, डार्क ग्रीन कर्टेंस लग रहे हैं। मैं उसको लगाती हूँ, लाइट ऑफ करती हूँ और बिस्तर के नीचे घुस जाती हूँ छुपके कि यार मैं बस और तो कुछ कर नहीं सकती, तो अब कम से कम बची जाओ, छुपी जाओ। जब थोड़ी देर बाद लोग उठते हैं तो लोग मुझे ढूंढने लग जाते हैं। मेरी दोस्त जुडविन वो भी मुझे ढूंढ रही होती है। मुझे हल्की हल्की आवाज़ें आ रही हैं कहीं से कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोलती। धीरे धीरे जूतों की आवाज़ें पास आ रही हैं। शिट यार कहीं ये पास ना पहुंच जाए। लोग मेरा नाम पुकार रहे हैं, जिटकलासा जिटकलासा जिटकलासा, और वो नाम धीरे धीरे मेरे पास आ रहा है। मैं और डर जाती हूँ कि कहीं यार वो इस रूम में ना घुस जाए, और मैं ये सोच ही रही होती हूँ तभी एकदम से रूम का दरवाज़ा खुल जाता है और बहुत सारे जूतों की आवाज़ें रूम के अंदर आ जाती हैं। तभी उनमें से किसी एक ने पर्दे हटा दिए और किसी एक ने लाइट जला दी। मैं सोचती हूँ कि शिट यार अब तो मैं फंस गई, बस कोई नीचे ना देखे। तभी क्या होता है कि वो लोग बेड के नीचे देख लेते हैं। चलो बेटा आ जा। नहीं यार मुझे नहीं आना, चल बाहर आ जल्दी आ। और वो लोग मुझे खींचते हैं, पकड़ते हैं और खींचते हुए मुझे बिस्तर से बाहर निकालते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, ए चुप, वो लोग मुझे डांटते हैं। मैं खूब चिल्लाती हूँ कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, पर मुझे कोई नहीं छोड़ता। वो मुझे खींचते हुए, जीनों से घसीटते हुए नीचे लेके आते हैं, मेरा हाथ पैर बांध देते हैं, प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो, पर मेरी बात कोई नहीं सुनता। और फिर वो लोग मेरे बाल को काटने स्टार्ट कर देते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं एक भेड़ हूँ और मेरे ऊन काट लिए जा रहे हैं। मैं अपनी माँ को चिल्लाती हूँ, बहुत तेज आवाज़ मारती हूँ माँ, पर मेरी आवाज़ कोई नहीं सुनता। सब वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, तमाशा बन रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। मैं बहुत ही स्ट्रगल करती हूँ, लेकिन फिर मैं सारा स्ट्रगल छोड़ देती हूँ कि मेरे बाल, मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान, एक साथ सब कट गए। और यही थी कहानी मेरी
the cutting of my long hair. Thank you so much.